देव प्रमाणिक समूह की टीम की ओर से आया हमारा प्रश्न ये है कि हम लोग बहुत दुखी हैं हम पहली बार किसी जैन मुनि के पास कुछ घर की समस्या पूछने गए तो उन्होंने हमें कुछ पेंडुलम वगैरह प्रयोग करके बताया कि आप लोग लो अगर, तो तो लो अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी थोड़ा धीरे धीरे बोलो ना पूछने गए तो उन्होंने हमें कुछ पेंडुलम वगैरह प्रयोग करके बताया कि आप लोग अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी आपकी माताजी की होगी पहले फिर आपके भाई की और फिर आपकी जैन धर्म आत्मा विश्वास नहीं करता फिर हम ये फालतू के क्रिया कर्म क्यों करें ऐसा कोई जैन संत बता सकता है क्या कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी ये तो गलत है ना उस दिन से हमारी माता जी बहुत दुखी हैं कुछ समस्या का निवारण बताएं हम लोग अपने भाई की शादी के लिए पूछने गए थे हम लोग बहुत दुखी हैं और आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं हम लोग क्या कोई गरीब शादी के लिए अपने गुरु से पूछने नहीं जा सकता सबसे पहले तो गाय का एक होते तुम किसी के पास जाओगे तो वो शादी कराएगा शादी तो शादी वालों से होगी जिसकी खुदकी नहीं हुई तुम्हारी क्या कराएगा ही क्यों क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो जहाँ कहीं जाकर किसी तरह का परामर्श नहीं लेना चाहिए और इस तरह की बातें किसी से कभी कहना भी नहीं चाहिए अगर साधु कह रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं और कह दिया तो उन पर भरोसा भी नहीं रखना चाहिए कोई त्रिकालज्ञ नहीं है मैं हमेशा कहता हूँ मैं ज्योतिष पर विश्वास करता हूँ पर ज्योतिषियों पर बिल्कुल नहीं ये सब तो बातें हैं ये बात मान करके चलिएगा कि जन्म मरण संयोग वियोग तो सब विधि के हाथ है अगर जाना होगा तो कोई अमर थोड़ी हो पाएगा अगर आपकी माँ जी की मृत्यु पहले होनी होगी आपके भाई या और सदस्यों की उसके बाद होनी होगी तो होनी है एक दिन तो होनी है तय आपकी माँ भी अमर नहीं है आप भी अमर नहीं आपके भाई बंधु भी अमर नहीं और अगर आपके पिताजी हैं तो वो भी अमर नहीं अमर तो कोई नहीं है जब जाना होगा तो जाएगा लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए टोनों टोटकों से किसी की मृत्यु को नहीं टाला जाता मणिमंत्र तंत्र बहुई मरते न बचावे कोई हम इन सब बातों पर विश्वास बिल्कुल ना करें अगर उन्होंने कुछ बता भी दिया है तो अपने मन के भय को दूर करें भगवान का स्मरण करें नमोकार की जाप करें, समय ठीक कर देगा और अपने मन को इस बात के लिए तैयार रखें कि जो होगा सही होगा जो होना होगा वही होगा इस वाक्य को अपने मानस पटल पर अंकित कर ले जो होगा सही होगा जो होना होगा वही होगा आपके अंदर का सारा भय फितूर सब दूर हो जाएगा आप निश्चिंतता से जिए, आपके पास जितना समय है आप उसका भरपूर लाभ लीजिए तो ये आपके जीवन के लिए कारगर उपलब्धि बन सकेगी